युगल तिवारी रायपुर से जुड़े हैं, विनोद कुशवाहा जगदलपुर से जुड़ गए हैं, प्रशांत शर्मा मुंगेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, मुंगेली में भी लगातार बारिश के बाद हालात दयनीय हो गए थे, क्या अभी हालात हैं, मौसम विभाग क्या बता रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्तर पर है प्रशांत? जी, मुंगेली जिले के लिए भी अलर्ट घोषित किया गया था और 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया था कि लगातार बारिश होगी और वैसा ही देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से मुंगेली जिलों में बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नालों का जल स्तर बढ़ा है। खास करके मनियारी जलाशय की बात करें, जो कि मुंगेली जिले की जीवनदायिनी मानी जाती है, वो लबालब है और उसके वेस्ट वियर से लगभग 2.5 से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। यही कारण है कि वनांचल को जोड़ने वाले जो कारी डोंगरी पुल है उसके ऊपर से पानी बह रहा है। इसके साथ साथ कई नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं नदी किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनके घरों में पानी घुसने लगा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो बारिश है आफत की बारिश साबित हो रही है। इस समय हमारे साथ जल संसाधन विभाग के ई सलीम जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे बांध की क्या स्थिति है। अभी जल भराव क्या है बांध में? अभी उलट का पानी चल रहा है, 2 फीट 2.5 फीट के आसपास है अभी, और बांध अभी सुरक्षित है। हमारे को बांध में कोई दिक्कत नहीं, हम हर 2-3 दिन के आड़ में उसका चेक करते हैं, और अभी भी बांध सुरक्षित स्थिति में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जल भराव की क्या स्थिति? अभी हमारा जो है क्या बोलते हैं 113% पानी भरा हुआ है हमारे बांध में। आप देख सकते हैं कि मुंगेली जिले में बारिश जो है लगातार जारी है, अभी भी बारिश हो रही है, और यही कारण है कि अभी जो मुंगेली लोरमी मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो गया, क्योंकि मुंगेली लोरमी मार्ग में जो नहर है उसका जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध हुआ है। इसके साथ साथ पथरिया में आगर नदी निकट में एक व्यक्ति बह गया है, जिसकी तलाश में रेस्क्यू की जा रही है। इस तरह कहीं ना कहीं बारिश जो है आफत की बारिश साबित हो रही है। जी ठीक है, बिल्कुल रहेगा प्रशांत साथ में। युगल तिवारी रायपुर से बने हुए। युगल, पूरे प्रदेश में अब ऐसा मौसम है कि पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और सभी जगह नदी नाले उफान पर हैं, आने वाले वक्त के लिए क्या प्रेडिक्शन है मौसम विभाग की? और अभी बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहां पर लोगों को रेस्क्यू करने की दरकार भी हो रही होगी, प्रशासन लगा हुआ है सभी जगह। युगल, जी